अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज फ्रेंड्स हम दुबई मॉल जाने लगे हैं। ये दुबई का सबसे बड़ा मॉल है, दुबई का ये सबसे बड़ा मॉल है। मेरे साथ मेरे भाई हैं शोभन भाई, और अभी हम जा रहे हैं। अभी पीछे रास्ते में जो आया था वो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में निकल आया था। तो अभी बस पहुँचने ही वाले हैं उधर, उधर पहुँचते हैं तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ दुबई मॉल। ये है फ्रेंड्स दुबई मॉल की एंट्रेंस। ये डायरेक्ट इधर रास्ता जाता है, अभी हम इंटर होने लगे हैं। अभी यार हम इधर अंदर जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इधर रश दिखाता हूँ कितना पड़ा हुआ है। यार लगता है मेरे ख्याल में पूरे दुबई का रश ना इसी मॉल में है। देखो यार अभी इधर रश कम हो गया, पीछे ज़्यादा था हर, बट इधर भी ज़्यादा है। रहा जी नाइकी का स्टोर दुबई मॉल में, इनकी मैं आपको प्राइजेस चेक करवा देता हूँ। ये देखो, और ये भी देख लो, इसकी प्राइस कितना है पता नहीं यार, उसकी प्राइस नहीं मिली। यार ये देख लो इसकी प्राइस कितनी है, 750। दुबई मॉल है भाई, दुबई मॉल। इस वाले की कितनी है, 650। आगे चलते हैं और देखते हैं मजीद। अच्छा यार अभी हम कुछ शर्ट्स देखें, ये कुछ पड़ी हुई है। इसकी जो प्राइस है वो 300 दिरहम है। इस वाली की लिखी नहीं हुई, और बाकी यार इनकी लिखी नहीं हुई, मैं आपको किधर से बताऊँ। ये देख रहे हैं ये इसकी 200 दिरहम है। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई एक्वेरियम की तरफ, काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा इसको पहले भी। अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। अभी तकरीबन हम उस जगह पहुँच जाए हैं। अच्छा यार इधर टिकटिंग के लिए ये देख लो रश, और क्या सीन है ये देखो इधर तो बहुत। सो फाइनली गाइस ये है जी दुबई का दुबई मॉल में। थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दो, इसमें काफ़ी फिशेज काफ़ी किसान है, और इधर एक शार्क भी रखी हुई है। आप इसके अंदर डाइव भी कर सकते हैं, उसके मेरे ख्याल में कोई चार्जेस है, मुझे उसके पता नहीं है। फिर आपको ये सामने केज नज़र आ रहे हैं, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे जो बंदे गए हुए हैं। और ये भी है केज बना हुआ है, ये डाइविंग के लिए है, और वो अंदर जाके छोटी छोटी छोटे करें बड़ी। ये देखो लोगों का रश इधर कितना लगा हुआ है। ये हमारी एक डिवाइस देते हैं वो, जिधर भी आप बैठ जाएँ ये जब
खाना रेडी हो जाता है, ये बीप करना स्टार्ट कर देती है, जाने लगा था मेरा बिल, तो ये बीप करती है और फिर हम जाएंगे उधर से खाना ले लेंगे। इधर जगह यार यकीन मानो कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। और जब एक और जो बात होती है कि अगर कोई टेबल खाली मिल जाए तो उन्होंने ऑलरेडी बैग्स वगैरह रखे होते हैं कि कोई बैठ ना जाए, और इधर से जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए अभी काफ़ी ढूंढ ढूंढ के अभी ये जगह मिली है, अभी हम इधर बैठ गए हैं और अभी खाने का वेट कर रहे हैं। अच्छा यार हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, ये देख लें इसने बीप देना स्टार्ट कर दिए। अभी मैं जा रहा हूँ इधर से अपना उठाता हूँ ऑर्डर। ये देखो ये हमारा ऑर्डर आ गया, साथ में कोक मंगाई थी और ये पहली बाइट। ठीक है, नॉट बैड। ये मेरे भाई की पसंद आया। ये ऑल मील है और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ये यार रश चेक करो आप। अच्छा यार पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद अब हमने और ऑर्डर किया था, तो मैं दिखाता हूँ आप हमने मज़ीद क्या मंगाया। ये हमने मंगाए जी राइस हैं और ये चिकन है और साथ में ये ब्रेड वगैरह और ये दिया है, और ये सैलड भी है साथ में, देख लें। अच्छा यार अभी राइस ट्राई करते हैं, देखते हैं इनका कैसा टेस्ट है। चिकन वाले राइस हैं, जो शेवर मुर्गा होता है इस चिकन का टेस्ट वैसा नहीं है, थोड़ा मिक्स है, जैसे देसी और शेवर का दरमियानी सा जो जायका होता है ना इस चिकन का उस तरह का है। और ये चावल हैं ये थोड़े से खट्टे से बिल करवा रहे हैं, गर्म बहुत है। अच्छा यार आपने लस्सी तो बहुत ज़्यादा पी होगी, पाकिस्तानी और इंडियन जो है ये भी लस्सी है इधर की। थोड़ा सा डिफरेंट है जायका, मगर वो टच है वो लस्सी वाला हमारी वाला, थोड़ा सा ये नमकीन है। हमारी जो होती है ना जो हम देहातों में बनाते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी होती है, शहरों में वो मीठी चीनी डाल के पी रहे होते हैं, हम देहात में जो होते हैं वो चीनी वगैरह नहीं डालते, नमक ही डालते हैं, और उसके साथ इसका जायका मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं कॉन्टेंट शो देखने के लिए, 8:30 मेरे ख्याल में होगा, और अभी 8:30 होने वाले हैं, अभी हम उसी साइड जा रहे हैं। रश जो है अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस साइड पर, और वैसे थोड़े से हम दूर हैं, अभी चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा यार हम पहुँच तो हैं पर इधर रश इतना ज़्यादा है मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ रश इतना। ये देख लो बुर्ज खलीफा सामने, ये जगह यार इधर होगा, और सब देख लो। तो फ्रेंड्स अभी स्टार्ट होने लगा है, देखो सामने सामने
वाटर का वो हम देख कर आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश था, आपने देखा होगा, मगर वो जो मंज़र होता है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। अगर आप दुबई आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। अभी मैं एक जगह से निकल रहा था, इधर डायनासोर का मैंने स्केल्टन ढांचा सा लगाया हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। अच्छा यार फ्रेंड्स, इधर वीडियो का इख्तिताम करते हैं क्योंकि हम अभी वापस जाने लगे हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको आ रहा होगा, इधर भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको आ जाएगा। इंशाल्लाह अब नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।